सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों साइड का हिप रिप्लेसमेंट होने के बाद भी, आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट दोनों रिप्लेस हो चुके हैं, लेकिन इनका अभी भी ये जो पेल्विस है इस साइड का, ये अभी भी ऊपर है। अगर मैं इनके एक्सरे को प्रॉपर लगा दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर है बोन इसके मुकाबले, राइट। तो इसको पेल्विक टिल्ट कहा जाता है। और जैसे जैसे मसल्स में पावर आती है, यहाँ मसल्स होती हैं जो कि हिप की सबसे इंपॉर्टेंट मसल होती है, जब इसमें पावर आती है तो ये इस पेल्विस को नीचे की तरफ पुल करती है और ये पेल्विस इवेंचुअली इस पोजीशन में आके अपनी फाइनल पोजीशन ले लेता है, उसमें दोनों लेग्स इक्वल हो जाती है। तो ये पेल्विक टिल्ट हर पेशेंट में अलग अलग समय पे करेक्ट हो सकती है, कुछ पेशेंट्स की जल्दी हो जाती है, कुछ पेशेंट्स की टाइम लेती है। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेल्विक अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो तो टांग थोड़ी सी छोटी बड़ी महसूस हो सकती है शुरू के दिनों में, लेकिन जैसे जैसे ये पेल्विक टिल्ट करेक्ट होती है, पेशेंट की लेग लेंथ भी एकदम इक्वल हो जाती है और पेशेंट की वॉक भी नॉर्मल हो जाती है।